रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। जम्मू कश्मीर में पाक ने आईबी वहलोसी पर दागे गोल। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के हारवन सोपोर में मंगलवार को आतंकियों की ओर से किए गए आईईडी धमाके में एक सैन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार दो जवान घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। पिछले दो दिनों में सोपोर में यह दूसरा आईईडी धमाका है। सेना के जवानों ने बुधवार को उत्तरी कश्मीर के मच्छल कुपवाड़ा सेक्टर में घुसपैठ के एक प्रयास को नाकाम बनाते हुए तीन आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिला है। फिलहाल मारे गए घुसपैठियों के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। सोमवार को नाथीपोरा के पास आईईडी धमाके में कुपवाड़ा लाए जा रहे कैदियों के वाहन के आगे चल रहा पुलिस का सुरक्षा वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। सोपोर से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे सोपोर से सटे हारवन में सेना के जवानों का एक दल अपने वाहन में जा रहा था। पाकिस्तान ने फिर अपने दोहरे चरित्र को दर्शाया है। फ्लैग मीटिंग के चंद घंटे बाद सोमवार देर रात को अखनूर सेक्टर के परगवाल में मोर्टार शेल दागे। इसके अलावा मंगलवार सुबह शांति का विश्वास दिलाने वाले पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा LOC पर राजौरी जिले के झंगड़ सेक्टर में गोलाबारी कर अपनी नापाक नीयत दिखा दी। भारत की ओर से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसके बाद गोलाबारी रुक गई। हालांकि सैन्य अधिकारियों ने आईबी पर जम्मू के अखनूर सेक्टर में गोलाबारी से इनकार किया है। पाक के दुस्साहस से सीमांत क्षेत्र के लोग डरे हुए हैं। 15 मई के बाद से जम्मू संभाग के कठुआ सांबा व जम्मू जिलों में पाकिस्तान की भारी गोलाबारी में 4 सीमा प्रहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि सुबह 10 बजे नागरिक भी मारे गए हैं।